नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं जी, 370 नंबर सुनिएगा। 370번 문제입니다. 370번 문제입니다. 370 नंबर सवाल है। ओके जी, सुनते हैं आगे।지금 몇 시예요? लड़के ने क्या बोला है? 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? अभी क्या टाइम हो रहा है? 지금 몇 시예요? अभी क्या टाइम हो रहा है? देखते हैं जी लड़की क्या बोलती है। 3시 30분이에요. लड़की ने क्या बोला है? 3시 30분이에요. 3시 30분이에요. 3시 30분이에요. 3시 3:00, 3시 3:30, 30분, 30 किसको बोलते हैं? शिप 10 को बोलते हैं, ईशिप 20 को बोलते हैं, समशिप 30 को बोलते हैं। सेशी समशिप बुन बुन मिनट्स को बोलते हैं। सेशी समशिप बुन 3:30 ईएयो हैं या हुए हैं। अब 3:30 कहाँ पे हुए हैं जी? यहाँ पे 3:30 हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे 3:40, यहाँ पे 4:30 और यहाँ पे 4:40। तो सेशी समशिप बुन ये उसने बोला है, तो हम इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे हम बोलते हैं ना 3:30 भी बोल सकते हैं और हम 3:30 भी बोल सकते हैं। 3:30, 3:30 बोलते हैं ना, जैसे यानी कि 3 और 1 आधा घंटा, 3:30, 4:30, 5:30, ऐसे कोरिया में भी बोलते हैं और आपको सवाल में भी आ सकता है। इसी सवाल को ऐसे भी बोल सकते हैं, चिगम म्योशी है यो, अभी क्या टाइम हुआ है। तो लड़की ऐसे भी बोल सकती थी, कैसे? से शी थानी है यो, से शी थानी है यो। सेशी 3 और भान बोलते हैं आधा। भान का मतलब क्या होता है? हाफ। कोई एक कोई भी चीज हो उसको भान बोल सकते हैं। भान का मतलब हाफ होता है। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेश भान का मतलब हाफ होता है ना। ये मेरे पास ये देखें एक स्केल है, स्केल। तो मैं आपको, आप मुझे बोलें कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई चॉकलेट है या कोई और कोई चीज़ है, आप मुझे बोल रहे हैं कि आधी मुझे भी दो, आधी मुझे भी दो। तो मैं ऐसे सेंटर से उसको तोड़ के आपको दूंगा, तो मैंने आधी आपको दे दी। उसको भी क्या बोलेंगे? फान चूसे हो, फान चूसे हो, यानी आधी मुझे भी दो, फान चूसे हो। तो किसी भी चीज़ का आधा जो होता है, निसफ, निसफ उसको क्या बोलते हैं? फान। उसको भी फान बोल सकते हो और टाइम के लिए भी फान इस्तेमाल हो सकता है। सेशी बानी है यो, सेशी बानी है यो, यानी 3:30 हुए हैं, या सेशी समशी बुन ये हो 3:30 हुए हैं। यानी अगर मिनटों में बनाना बताना चाहते हैं तो इस तरह बताएंगे, और अगर 3:30 बोलना चाहते हैं तो सेशी बानी है यो, इस तरह भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं जी 371 को सुनते हैं। 371번 문제입니다. 371번 문제입니다. 371 नंबर सवाल है। चलिए जी देखते हैं क्या कहती है। 9시입니다. 아홉시입니다. 이스는 क्या बोला है? 아홉시입니다. 아홉시입니다. 9 बज रहे हैं। 아홉시, 9 को, 아홉 9 को बोलते हैं ना, 아홉시입니다. 9 बज रहे हैं। तो देखते हैं जी कौन सी वाच पे 9 बज रहे हैं। यहाँ पे 7 बज रहे हैं, यहाँ पे 8 बज रहे हैं, यहाँ पे 9 बज रहे हैं। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, आहोपशी इमीदा। और यहाँ पे योलशी, यहाँ पे इलगुपशी है, यहाँ पे योदलशी है, यहाँ पे आहोपशी है और यहाँ पे योलशी है। ठीक है, सुनते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन 372 को सुनिएगा। सुनते हैं जी सवाल को। 372번 문제입니다. 372번 문제입니다. 372 नंबर सवाल है। अब क्या सवाल है देखते हैं।몇 시에 친구를 만나기로 했어요? लड़की ने क्या पूछा है? इसका भी आधा पार्ट रहता है, जवाब भी होगा। म्यो छिए छिंगुरुल मन्नागीरो हेसोयो, ये सवाल है। म्योच्छिए कितने बजे, चिंगुरुल दोस्त को, मन्नादा बोलते हैं मिलना, मन्नागीरो हिस्सोयो, गीरो हिस्सोयो। मैंने आपको पहले भी बहुत दफा बताया, ये एक ग्रामर है जो शायद बुक टू में हो, अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। गीरो हिस्सोयो किसी भी वर्ब के साथ जब लग जाए तो उसका मतलब होता है कि फैसला कर लेना, किसी चीज का डिसीजन कर लेना। म्योच्छिए चिंगुरुल मन्नागीरो हिस्सोयो, आपने कितने बजे दोस्त से मिलने का
फैसला किया है या कितने बजे दोस्त से मिलने का प्लान किया है या कितने बजे दोस्त का को मिलने का प्रोग्राम बनाया है, किसी चीज का फैसला कर लेना। गिरो हिस्सोयो, ठीक है। म्योशिये चिंगुरु मन्ना गिरो हिस्सोयो, कितने बजे दोस्त से मिलने का प्रोग्राम बनाया है, कितने बजे दोस्त से मिलने का फैसला किया है। अब देखते हैं जी लड़की क्या कहती है। 6시 30분에 만나기로 했습니다. 럭키니 벌케 럭키에네 볼라 해. 요소치 30분에 만나기로 했습니다. 요소치 30분. 이거 아까 에세비 읽 सकते हैं. 주로니 코트에 읽네. 요소치 30분에 만나기로 했습니다. 럭키네 뭐라 볼라 해? 했습니다. 요소치 30분에 만나기로 했습니다. 예, 이게 스펠링 좀 잘못 된 거 같아요. 이게 이렇게 될 거예요. 요소치 30분에 만나기로 했습니다. 요소치 6:30분에 30분에 만나기로 했습니다. 밀네가 패스라 기야해. 밀네가 프로그램 만나야. 아까 봤던 거지. 요소치 30분 가만히 아래에 6:30분 가만히 아래에. नंबर टू इसका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे 6 बजने में अभी 10 मिनट रहते हैं, यहाँ पे 8:40 हुए हैं, यहाँ पे 9:10 हुए हैं। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर टू इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनते हैं जी। 373번 문제입니다. 373번 문제입니다. 373 नंबर सवाल है। ओके, 영화가 몇 시에 시작해요? क्या बोला है इसने लड़की ने? यंग्वागा म्योशिये शीजाक हेयो, ये सेंटेंस बोला उसने लड़की ने। इसके क्या मीनिंग्स बनते हैं जी? यंग्वागा, यंग्वा बोलते हैं मूवी को, यंग्वागा मूवी म्योशिये कितने बजे, शीजा खादा बोलते हैं स्टार्ट होना, शीजा हेयो स्टार्ट होगी, शुरू होगी। यंग्वागा म्योशिये शीजाक हेयो, मूवी किस टाइम स्टार्ट होगी, फिल्म किस टाइम स्टार्ट होगी। तो देखते हैं जी लड़का कितने बजे बता रहा है। 4시 10분에 시작합니다. लड़के ने क्या बोला है? 4시 10분에 시작합니다, लड़के ने ये बोला है। ठीक है, लड़की ने पूछा है यंग्वागा म्योशिये शीजाकहेयो, मूवी किस टाइम शुरू होगी। लड़के ने बोला नेशी शिपू ने शिजा खामिदा 4:10 पर, नेशी 4 बजे और शिप हाना दुल वाली गिनती नहीं लगेगी, इली समसा वाली, शिपू ने शिजा खामिदा 4:10 पे स्टार्ट होगी। अब देखते हैं जी 4:10 कहाँ पे आ रहे हैं, कौन सी वाच पे, ऑप्शन नंबर 3 पे देखें, 4:10। ठीक है, बाकी वाचेस के ऊपर भी, बाकी टाइम के ऊपर भी नज़र मार लिया करें थोड़ी सी। यहाँ पे 3:02 कुछ हो रहे हैं, यहाँ पे 3:20 हो रहे हैं, यहाँ पे 6:50 हो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सुनते हैं जी नेक्स्ट सवाल को। 374번 문제입니다. 374번 문제입니다. 374 नंबर सवाल है। 지금은 5시입니다. 지금은 5시입니다. कैसे बोला है उसने? 지금은 5시입니다. 지금은 5시입니다. 아비 5 बज रहे हैं. 지금 अभी, 지금은 5시입니다. 아비 5 बज रहे हैं. तो देखते हैं जी 5 कौन सी बात पे बज रहे हैं? पहले पे 3, दूसरे पे 4 और यहां पे ऑप्शन नंबर 3 पे 5 बज रहे हैं. 5시입니다. तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट को सुनते हैं. 375번 문제입니다. 지금은 12시 30분입니다. 지금은 12시 30분입니다. 지금은 12시 30분입니다. 지금은 12시 30분입니다. 아비 12:30 हो रहे हैं. तो कौन सी बात पे 12:30 हो रहे हैं? यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे 12:30 हो रहे हैं. ऑप्शन नंबर 4 सही होगा. 지금은 12시 30분입니다.